नमस्कार, मैं मोहन चौधरी और आप देख रहे हैं एड प्रकाश टीवी। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे पार्षद से जो कि 3 बार चुनाव में उठे हैं और 3 बार उन्होंने विजय हासिल की है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 में। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे रूप शर्मा जी से, जो कि अब एनसी हाउस में सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर भी विराजमान है। आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो दिलीप सर, आपको एड प्रकाश टीवी की ओर से बहुत बहुत मुबारक कि आप चुनाव में जीते और सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी का पद आपको मिला है। धन्यवाद मैम, और अर्थ प्रकाश के चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आप हमें ये बताइए कि चुनाव हुए हैं, आपने ऐसा क्या जादू चलाया है जो सबसे ज्यादा 15 वोटों से आपने जीत हासिल की है? देखिए, जादू नहीं चलाया, काम किए हैं। लगातार हमने हैट्रिक लगाई है चुनाव जीतकर। पहले वार्ड नंबर 19 था, अब 3 है जी। तो तीनों बार हम अच्छे उससे जीते हैं और जनता का आशीर्वाद मिला है, और उसी आशीर्वाद के जरिए हमने काम किए हैं वार्ड के अंदर। और मुझे लगता है कि जिसने भी मुझे वोट दिया है तो उन्हें भी लगा कि भी ये डिजर्व करता है दिलीप शर्मा, क्योंकि दिलीप शर्मा काम करने वाला व्यक्ति है, और इसलिए उन्होंने एक वोट जो थी इधर हमारी तरफ खिसका दी और हम 15-13 से भी जीत गए। दिलीप जी, आप पिछले 10 सालों से पार्षद हैं, आपने ऐसे क्या कार्य रह गए हैं जो आपने सोचा होगा कि आप इस बार सबसे पहले उन उन कामों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, तो वॉकिंग ट्रैक मैंने सुगना चौक के साथ साथ 4.5 साल पिछले 4.5 सालों से लगातार मैं लगा हुआ कि वो वॉकिंग ट्रैक और साथ में उसके ग्रीन बेल्ट वो तैयार हो और जनता को समर्पित की जाए, तो वो पास हो चुका है और अब मैं उस पर कार्य करूँगा। दूसरा मेरा है कि यहाँ पर वैसे तो पूरे शहर के अंदर है, लेकिन मेरे वार्ड के अंदर गाड़ियों की बहुत ज़्यादा भरमार है और पार्किंग की व्यवस्था खराब है, तो पार्किंग के लिए हमने पॉइंट भी कुछ चिन्हित किए हैं कि वहाँ पे पार्किंग बनाई जाए, तो उसके लिए प्रयास होगा। अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ 66वें स्थान पर पहुंच चुका है और आपकी हमारी जो मेयर है आपकी सरबजीत कौर, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी, उनका भी हमने इंटरव्यू किया था। उसमें उनका कहना था कि हम फिर से दोबारा कोशिश करेंगे चंडीगढ़ को नंबर 1 पर लाने की। तो आप भी इस बार एमसी में सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर हैं, आप किस तरीके से चंडीगढ़ को फिर से 66वें स्थान से नंबर 1 पर लाने के प्रयास करेंगे? देखिए, कुछ कमियां रही होंगी कि जिसकी वजह से हम 66वें नंबर पर पहुंचे हैं और उसमें हम सभी भागीदारी हैं, लेकिन अब की बार हम चंडीगढ़ को नंबर 1 बनाकर रहेंगे और काफ़ी अच्छे स्थान पर ला कर रखेंगे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हम पिछले दिनों गवर्नर साहब को मिले थे, चंडीगढ़ को 1 नंबर पर लाने का काम करें, और इसके लिए यूटी और नगर निगम दोनों मिलकर काम करेंगे। और गवर्नर साहब ने दूसरे दिन ही हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने विजिट रखी और पूरा वो गार्बेज प्लांट और ये वो सब कुछ देखा, और जो हम इसी हाउस में जो जेपी प्लांट 2 साल से बंद पड़ा था तो उसको भी हम चलाने का प्रयास करेंगे, और इसमें हाउस में हम ला रहे हैं तो उसका भी काम हो शुरू। इस बार अगर बात की जाए चंडीगढ़ एमसी हाउस की, तो वहाँ पर 27 जनवरी को पहली बार मीटिंग है, तो उनमें किन किन मुद्दों पर आप चर्चाएं करेंगे? देखिए, और कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ एक ही मुद्दा कि डड्डू माजरा के अंदर इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड और जो वहाँ खामियां हैं, जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जेपी प्लांट को तुरंत प्रभाव से चलाने के लिए हाउस में पास करेंगे, ताकि शहर की बेहतरी के लिए भी, और डड्डू माजरा मलोया और धनास उधर की, क्योंकि बड़ी जब हवा चलती है तो बहुत बदबू आती है, गंदगी का अंबार होता है वहाँ पर, और लोग नेचुरली हैं बहुत परेशान भी हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, क्योंकि वो आबो हवा बड़ी गलत है, तो वो उसके लिए प्रयास होगा। जैसे कि आपने कहा अभी कि अगला आपका जो टारगेट है हाउस मीटिंग में डड्डू माजरा का होगा, तो डड्डू माजरा के निवासियों का कहना है कि वहाँ की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा जहरीली हो चुकी है, उससे अनेक लोग भी बीमार पड़ते हैं, और पहले भी यहाँ पर बीजेपी का ही शासन रहा है चंडीगढ़ में, तो उस वक्त वो कार्य क्यों नहीं कराए गए जो इस वक्त आश्वासन देने की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, आश्वासन की ज़रूरत नहीं, आपने देखा होगा कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 1.5-2 साल से कोरोना की वजह से कार्य नहीं हो पाए, और यही कारण रहा है कि वो जो कार्य हमने शुरू करने थे वो शुरू नहीं हो पाए, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है,
पिछले हाउस में जब रविकांत जी हमारे मेयर थे तो उस समय जो बहुत बड़ा पहाड़ था डड्डू माजरा के साथ ही, एक पहाड़ तो हमने खत्म कर दिया है, दूसरे पहाड़ की भारी है जो बहुत जल्द वहां पर प्लेन बनाकर वहां पर एक पार्क का निर्माण होगा। 20 एकड़ जमीन जो है अभी खाली हो चुकी है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आप देख भी लेना कि 20 एकड़ जमीन पर जो पहाड़ था वो हमने खाली करवा दिया है और अब की बार दूसरा पहाड़ भी समाप्त हो जाएगा और डंपिंग ग्राउंड से डड्डू माजरा की जनता को राहत मिलेगी। अगर बात करी जाए चंडीगढ़ के चुनाव की तो वहां पर बीजेपी की 12 सीटें आई हैं तो वहीं आम पार्टी की 14 सीटें आई हैं, यानी थोड़ा चंडीगढ़ के लोग बीजेपी पार्टी से थोड़ा रूठे नजर आ रहे हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बीजेपी से जनता नहीं रूठी क्योंकि बीजेपी ने जितने कार्य किए हैं आज तक किसी ने भी इतिहास में नहीं किए, और जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी से रूठे नजर आए हैं वो रूठे नजर नहीं आए, आम आदमी का एक एजेंडा है कि लोगों को गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, गुमराह करके वोट हथियाना, और उन्होंने फ्री का जो राग अलापा है कि पानी बिजली फ्री में देंगे, उनको शायद ये नहीं मालूम कि चंडीगढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन में, नगर निगम के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री शब्द का कोई अर्थ है ही नहीं, हम फ्री दे नहीं सकते क्योंकि यूटी है ये स्टेट नहीं है। तो ये एक लोगों को बरगड़ा कर जो वोट हासिल किए हैं जनता को पता चल जाएगा कि झूठ बोलकर एक बार वोट ली जा सकती है, बार बार नहीं। देखिए जैसे कि आपका सुनना है, आपने सुना ही होगा दिलीप शर्मा जी का कहना है कि उन्होंने अनेक कार्य कराए हैं इसीलिए वो तीसरी बार भी चुनाव जीते हैं, और इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि पहली हाउस मीटिंग में इस बार उनका जो अहम और मेन मुद्दा होगा वो डंपिंग ग्राउंड को साफ कराने का होगा। ऐसे ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए प्रकाश टीवी पर, मैं अभी चौधरी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।